तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को कलर्स टीवी पर आने वाली सीरियल दुर्गा और चारू के कास्ट के रियल लाइफ लव पार्टनर से मिलवाने वाली हूं, जो कि शायद ही आप सभी जानती होंगी और जानना चाहती हैं, तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बनी रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर फर्स्ट ज्योति मुखर्जी, जो कि सीरियल में संपूर्णा का किरदार निभा रही हैं। और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम राजा मुखर्जी है। नंबर सेकंड चंदन आनंद, जो कि सीरियल में विनोय का किरदार निभा रहे हैं और ये रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर थर्ड रेवती लेले, जो कि सीरियल में राजश्री का किरदार निभा रही हैं और इनके बॉयफ्रेंड का नाम आदर्श वैद्या है। नंबर फोर्थ मोनिका खन्ना, जो कि सीरियल में लतिका का किरदार निभा रही हैं और ये रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर फिफ्थ प्रीति आमीन, जो कि सीरियल में भोली का किरदार निभा रही हैं और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम लियोनेल परेरा है। नंबर सिक्स्थ रांची शर्मा, जो कि सीरियल में दुर्गा का किरदार निभा रही हैं और ये रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर सेवन्थ कुणाल जयसिंह, जो कि सीरियल में अनिर्बन का किरदार निभा रहे हैं और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम भारती कुमार है। नंबर एट्थ अदरीजा रॉय, जो कि सीरियल में चारू का किरदार निभा रही हैं और ये रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर नाइन्थ हर्ष वरिष्ठ, जो कि सीरियल में अभिरूप का किरदार निभा रहे हैं और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम ऋतु वरिष्ठ है। नंबर टेंथ सृष्टि तारी, जो कि सीरियल में चुमकी का किरदार निभा रही हैं और ये रियल लाइफ में सिंगल हैं। नंबर इलेवेंथ प्रीति पुरी चौधरी, जो कि सीरियल में सवित्री का किरदार निभा रही हैं और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम विपिन चौधरी है। नंबर ट्वेल्थ डोली मनहास, जो कि सीरियल में दादी का किरदार निभा रही हैं और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनके पति का नाम अनिल माटो है। नंबर थर्टीन जिग्नेश जोशी, जो कि सीरियल में चाचा जी का किरदार निभा रहे हैं और इनके लव पार्टनर की बात की जाए तो इनकी पत्नी का नाम मालूम नहीं है। तो अब आप सभी का क्या कहना है और आपको ये सीरियल कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।